मैं माया शंकर पाठक चेयरमैन एमपी ग्रुप आपको बताना चाहता हूं कि कल मेरे साथ जो घटना हुई है वो शुद्ध रूप से राजनीतिक विद्वेष और जातिगत विद्वेष के कारण हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डोंट बी ब्लाइंड इंडिया। दोस्तों, बीजेपी के नेता पर एक बार फिर से बड़ा ही बुरा इल्जाम लगा है। आपको बता दें, अपने कॉलेज की छात्रा को छेड़ने के आरोप में पूर्व बीजेपी विधायक की पिटाई, नेताजी बोले ये राजनीति से प्रेरित है। जी हां, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बीजेपी के पूर्व विधायक माया शंकर पाठक की पिटाई कर दी गई है। आरोप है कि उन्होंने अपने ही कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा से छेड़खानी की थी। हालांकि पिटाई और गंभीर आरोपों के बाद उन्होंने अपनी सफाई जारी कर दी है। दावा किया गया है कि ये सब चीजें राजनीति से प्रेरित हैं। दरअसल छात्रा को छेड़ने के आरोप में 9 जनवरी 2021 को शहर के चौबेपुर इलाके में कुछ लोगों के समूह ने उनकी पिटाई कर दी थी। कथित छेड़खानी के आरोप में पहले उन्हें दफ्तर के भीतर पीटा गया, जबकि बाद में भी बेइज्जत करके मारपीट की गई। दफ्तर के अंदर की वायरल क्लिप के अनुसार लोगों के समूह ने दफ्तर में कुर्सी के पास जाकर पाठक को घेर लिया था। उन्हीं में से एक शख्स ने बोला, जब हमारी इज्जत नहीं रही तब आपकी कैसे रहेगी। मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप ब्राह्मण हैं, पर आपने हमको नरक में झोंक दिया। लड़की पढ़ने आती है, मेरी बिटिया है। इसी बीच समूह में पीछे खड़े एक युवक ने पाठक के सिर पर तमाचा जड़ दिया। हालांकि अन्य लोगों ने उसे दोबारा मारने से रोका, पर इस दौरान पाठक पर वो लोग जुबानी तौर पर चढ़ने लग गए। वायरल वीडियो के मुताबिक पीछे से कुछ लोग उन्हें गंदी गंदी गालियां भी देने लगे। आपत्तिजनक शब्दों का विरोध जताते हुए वह कुर्सी से खड़े हुए तो उन लोगों ने फिर से धक्का मुक्की की और गिरेबान पकड़कर सीट पर बैठा दिया। और इसके बाद काफी बुरा हंगामा हुआ, जिसे देखने के बाद पता चल गया कि बीजेपी विधायक ने अगर कुछ नहीं किया होता तो लोग इतना गुस्सा ना होते। अब ऐसे में बीजेपी विधायक ने अपनी सफाई दी है और उनका कहना है कि जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ राजनीति से प्रेरित है। अब देखना है कि इस पर किस तरह से पुलिस वाले और साथ ही तमाम कानून व्यवस्था एक्शन लेती है। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।